ॐ भूर्भुवस्सः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रार्थना के बाद अब योगाभ्यास प्रारंभ करेंगे और योगाभ्यास के क्रम में सबसे पहले हम व्यायाम करेंगे। व्यायाम के चार चरण हैं और उसके बाद हम रोगानुसार योग, अंत में प्राणायाम और ध्यान करेंगे। योगाभ्यास का प्रारंभ हम ओंकार और गायत्री आदि मंत्रों के जप के साथ प्रारंभ करते हैं। ओंकार और गायत्री आदि मंत्रों का जप करने के बाद पूरी एकाग्रता और श्रद्धा पूर्वक पूरी निष्ठा से योग की एक एक विधि को, योग की एक एक प्रक्रिया को, योग के एक एक अभ्यास को पूरी कुशलता के साथ करना। जैसे हम ओंकार और गायत्री आदि मंत्रों का जप करते हैं तो उसके बाद ये हाथ रगड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये जिसने भी आपको सिखाया है इसको आज से भूल जाना। जब भी आप मंत्र आदि जप करते हैं तो तुरंत ये हाथ मसलने वाली प्रक्रिया अच्छी नहीं है। अभी व्यायाम के चार चरण हैं। वैसे तो मैं यहाँ आने से पहले भी व्यायाम करके ही आया हूँ, क्योंकि मैं दौड़ करके आया हूँ, तो दौड़ने से फिर ये पसीना तो आता ही है। आप भी दौड़ के ही आए होंगे ज़रूर, तो अच्छा रहता है दौड़ना स्वास्थ्य के लिए। इससे प्राण शक्ति भी सबल होती है। और मैं हमेशा कहता हूँ जीवन में एक सामान्य नियम बना लो, सुबह एक बार उठ करके पसीने से नहाना ज़रूरी है, एक नियम बना लो। बस इसमें एक ही बाधा आती है, आलस्य। मैंने देखा विद्वानों से लेकर के अविद्वानों तक, ये सब में पता नहीं कहां से कैसे ये दोष प्रविष्ट हो जाता है। इसलिए मैंने बार बार दो बातों को कहा है, वैयक्तिक जीवन का, आंतरिक जीवन का सबसे बड़ा दोष है आलस्य, और सार्वजनिक जीवन का सबसे बड़ा दोष है द्वेष। दोष से मुक्त रहना है हमें, ऐसे योगी बनना है। तो चलिए खड़े हो जाएंगे। व्यायाम के चार चरण हैं, योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक और सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम तो सब कर सकेंगे। पहले जो आपको योगिक जोगिंग और ये दूसरे अभ्यास बता रहे हैं, ये अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार थोड़ा थोड़ा तो कर सकेंगे। जैसे योगिक जोगिंग सब कर सकते हैं। पहले अभ्यास में हाथ देखो यहाँ तक आता है, कंधे तक, हाथ ऐसे मुट्ठी बंद और पीछे से पैर ऐसे सीधे सीधे ऐसे। अब इसमें कुछ लोग ऐसे ऐसे करते रहते, ये नहीं, ऐसे ही करना, ये विधि है इसे। ऐसे तेजी से करें तो ऐसे होगा। लंबे लंबे श्वास, ये पहला। फिर दूसरे में हाथ पूरा ऊपर कंधे के समानांतर उठ गया
और पीछे से पैर की एड़ी नितंब से लग गई, ये दूसरा अभ्यास हुआ। ऐसे यूनिफॉर्मिटी रहनी चाहिए। तीसरे अभ्यास में दोनों हाथ कमर के दोनों साइड में, एक पैर उठा तो घुटने से को छाती से लगाया ऐसे, ये धीरे धीरे ऐसे, और तीव्रता से करना हो तो ऐसे। माने विधि में एक रूपता होनी चाहिए सबके। चौथे अभ्यास में इतना बैठना, इतना सीधे सीधे, ऐसे झुक के नहीं बैठना, सीधे सीधे ये। पांचवे अभ्यास में दोनों हाथ सामने कंधों के समानांतर और दाहिने पैर पर ऐसे बैठे, फिर बाएं पैर पर ऐसे बैठे। जो स्वस्थ हैं, बलवान हैं, युवान हैं, योग युवतियां हैं, यंगस्टर्स हो, ऐसे बैठे और ऐसे सीधे सीधे उठेंगे ऐसे। अब किसी को तो इतने बैठने में कुछ ऐसे बैठते हैं, ऐसे नहीं, ये तो गड़बड़ हो गया ना। सीधे सीधे बैठे और सीधे सीधे उठे, प्रयत्न तो कीजिए आप ऐसे ऐसे। देखो ये पैर मोड़ना नहीं चाहिए जमीन वाला, देखो ये पैर ऐसे इधर मुड़ेगा तो ये पैर ऐसे सीधा रहना चाहिए और ऐसे सीधी सीधी उठना चाहिए। फिर दाहिने पैर पर ऐसे बैठेंगे तो बाएं पैर पूरा सीधा रहेगा। अधिकतम बैठ करके गर्दन को पीछे की ओर झुकाते हैं, संतुलन बनाते हैं, संतुलन बिगड़ना नहीं चाहिए। लंबे लंबे श्वासों के साथ पूरी एकाग्रता पूर्वक शरीर को साधना पड़ता है पूरा। सातवें अभ्यास में दोनों पैरों में थोड़ा फासला, दोनों हाथ कंधों के समानांतर ऐसे सामने से खुलते हुए साइड में, कंधों के समानांतर ही रहेंगे ऐसे, और गर्दन ऐसे पीछे झुक जाएगी, फिर वापस कंधों के समानांतर ही आएंगे। ये तरीका है। अब कुछ इसमें ऐसे हाथ ले जाएंगे, फिर ऐसे लाएंगे, फिर ऐसे लेकर के आएंगे, ये नहीं, ऐसे ही होगा। चाहे धीरे करें चाहे तेजी से करें, विधि में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आठवें अभ्यास में हाथ उठा, हथेली नीचे की ओर होगी, ऊपर वाला हाथ कान से लगा हुआ, नीचे वाला हाथ धीरे धीरे घुटने से नीचे टखने के पास आ जाता, फिर वापस। क्योंकि व्यायाम तीव्रता पूर्वक करते हैं लेकिन जब प्रारंभ में करेंगे तो धीरे धीरे ही करना पड़ेगा। तीव्रता पूर्वक करें तो भी विधि का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। फिर नौवां अभ्यास में दाएं हाथ से बाएं पैर को छुएंगे, बाएं हाथ पीछे ऊपर और ऐसे झुक जाए। फिर दूसरी ओर से और दसवें अभ्यास में दोनों हाथ ऊपर उठेंगे सामने से ऐसे, अंगूठे से अंगूठा मिला हुआ,
श्वास बाहर छोड़ के आगे झुकेंगे, दोनों हाथ पंजों के ऊपर अथवा पंजों के बगल में, माथा घुटनों से लग जाए, फिर हाथ ऊपर, ग्यारहवें अभ्यास में धीरे करते हैं तो एक हाथ से कंधों के समानांतर रहे, दो तीन चार, ये तो धीरे हो गया, तेजी से करेंगे तो भी एक दो, हाथ कंधों के समानांतर ऊपर गए नीचे आए, एक दो एक दो एक, रिलैक्स। देखो अभी आप लोगों में एक रूपता तो है ही नहीं, जब एक बोला तो सबके साथ हाथ ऊपर ऐसे, दो बोला तो नीचे, जरा कीजिए एक दो एक दो एक दो एक दो एक, अब यहां गड़बड़ हो गई, माने धीरे जब तक करा रहे थे, यूनिफॉर्मिटीज को बोलते हैं, जैसे आप चाहे हमारे सैनिक हो अर्धसैनिक बल हो, वो उनकी गति हो उनकी कोई भी चेष्टा हो क्रिया हो एक रूपता बनी रहती है उसमें, इसके लिए अभ्यास अपेक्षित होता है। दोनों हाथ सामने, ग्यारह के बाद बारहवां अभ्यास, अब जिधर हाथ जाएंगे उधर ही आपके कोले निकलेंगे, दूसरी तरफ पंजे मुड़ गए नीचे से, और हाथ कंधों के समानांतर, देखिए ऐसे ऐसे हाथ आए तो एक हाथ तो पूरा पीछे चला गया, दूसरा हाथ कोने से मुड़ा थोड़ा, ऐसे हाथ आए दूसरी तरफ गए तो ऐसे, अब इसमें लोग कई तरह से उल्टा पुल्टा करते हैं, अब उल्टा तो दस तरह से किया जा सकता है, सीधा यही है, कंधों के समान होता, अब कुछ इसमें ऐसे कूदेंगे कुछ और पता नहीं कैसे कैसे करते हैं, तो ये बिल्कुल सरल है। पैर एक ही जगह पर है वहीं से ट्विस्ट कर रहे हैं पूरी बॉडी को, चाहे धीरे करें चाहे तेजी से, योगिक जोगिंग के योगिक व्यायाम के कितने अभ्यास हो गए, 12 अभ्यास, ऐसे अब सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास करें। पहला अभ्यास, देखो हाथ मिलाते समय ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि अंगुली के ऊपर ऐसी अंगुली, अंगूठे के ऊपर अंगूठा, इस तरह से ये स्थिति, अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि मैं प्रयत्न पूर्वक कर रहा हूँ, अब हमारा अभ्यास ही ऐसा हो गया, जैसे ऐसे करेंगे ऐसे हाथ ऐसे ही आएंगे 100% एक यूनिफॉर्मिटी में, हाथ ऐसे, कुछ लोग हाथ भी करेंगे तो ऐसे ऐसे उंगलियां ऊपर नीचे हो जाएंगी, ये नहीं ऐसे ही रहे, हाथ ऐसे ही रहने चाहिए, दूर भी नहीं ज़्यादा नीचे भी नहीं ज़्यादा ऊपर भी नहीं, छाती के सामने ऐसे, ये खुले खुले भी नहीं ऐसे भी नहीं, पहला अभ्यास। अब दूसरे अभ्यास में ऐसे देखो ऐसे हाथ खोलेंगे कमल के फूल की तरह, ऐसे ऐसे खोले हाथ पीछे गए, फिर आगे आगे झुके तो हाथ देखो ऐसे मिले रहेंगे ऐसे आगे आते समय, और फिर जब नीचे झुक गए तब हाथ पंजों के समानांतर पंजों के बराबर जमीन पर टिक जाए, हथेलियां जमीन पर टिक जाए, अब दाहिने पैर पर बैठेंगे बाएं पैर पीछे ले जाएंगे, अब इसमें जिनका शरीर फ्लेक्सिबल है वो पूरे हथेली को टिका लेंगे, और थोड़ा उम्र होने के बाद फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, तो दाहिने पैर पर बैठेंगे, दाहिने पैर कप के पंजे पर बैठते एड़ी थोड़ी ऐसे ऊपर होती है, पीछे वाले पैर को ऐसे टिका के रखते, ये स्थिति बनती है, श्वास अंदर।
अंगूठी के पास अंगूठा, एड़ी के पास एड़ी, और दोनों एड़ियां जमीन पर टिक जाती, सिर झुका के पेट को नाप देने लगे, ऐसे पूरा शरीर सदा खींचा हुआ। अब घुटने जमीन पर, छाती थोड़ी जमीन पर, पेट थोड़ा सा अधर रहेगा, ये घुटने जमीन पर माने ऐसे थोड़े अधर रहते हैं, ऐसे पूरा ऐसे टिका के नहीं रखना, ऐसे थोड़े स्पर्श करते हुए शरीर को ढीला नहीं छोड़ना। फिर सामने से उठे, कोहनिया पूरी सीधी, ऊपर देखे, अंगूठा पास में, एड़िया पास में। अब इसको कुछ ना पंजे ऐसे पीछे खोल लेते हैं, ये बहुत धीरे करते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन आप जब गतिपूर्वक करेंगे तो फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे ही पैर रखने पड़ेंगे, पंजे खड़े हुए रहेंगे, लेटे हुए नहीं रहेंगे, तभी आप इसको रिदम के साथ कर पाएंगे। फिर बीच से उठाएंगे अंगूठा, एड़िया पास में, घुटने सीधे, सिर झुका के नाभि को देखा। अब बाएं पैर आगे, दोनों हाथों के बीच में, पीछे वाला पैर बिल्कुल सीधा, और कमर झुकी हुई, कमर झुकी हुई ऐसे, किसी किसी की कमर झुकी हुई नहीं, कुछ कुछ ऐसे बैठे, ऐसे नहीं, ये स्थिति ठीक नहीं है, ये ऐसे ऐसे बैठे। फिर दाहिना पैर भी आगे, माथा घुटनों से लगेगा, दोनों हाथ पंजों के बराबर धीरे कर रहे हैं, फिर हाथ ऊपर, कुछ तो पहले ही ऊपर आ गए थे, हाथ पीछे जाएंगे तो अंगूठी से अंगूठा मिलाओ, और आगे हाथ आएंगे तो ऐसे ऐसे ऐसे, ये तरीका होगा, ऐसे हाथ आएंगे प्रणाम की मुद्रा में, यहां से शुरू हो जाएगा, और फिर नीचे आते समय कोहनी ऐसे मिली, और ये पूरा हुआ प्रणाम आसन, नाम बता रहा हूं, ऊर्ध्व हस्तासन, बोलिए, श्वास बाहर छोड़ करके पाद हस्तासन, दक्षिण अश्व संचालन आसन, बोलिए, पर्वतासन, साष्टांग आसन, कुछ तो नीचे पड़ी गए, ऐसे 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 नहीं पड़ना, बस स्पर्श करते रहेंगे नीचे, आराम नहीं करना। भुजंगासन, पर्वतासन, वाम अश्व संचालन आसन, पीछे वाला पैर बिल्कुल सीधा, और ऐसे बैठते कमर झुकी हुई, गर्दन ऊपर, पाद हस्तासन, ऊर्ध्व हस्तासन, प्रणाम आसन, हाथ ऐसे है, वापस लाते समय हाथ ऐसे, ये दो बार करवाया आपको, धीमी गति से करवाया, रिदम आएगा तो तीव्र गति से भी हो जाएगा। आसनों के नाम पूरे पता होना चाहिए, पहला अभ्यास क्या है, पांचवा अभ्यास क्या है, सातवां अभ्यास, आठवां अभ्यास क्या है, कोई भी नाम पूछा तो आपको तुरंत स्मृति में होना चाहिए। दो अभ्यास क्रम हुए, योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, अब दंड बैठक करते हैं, पहले दंड भी कर सकते हैं, बैठक भी कर सकते हैं, कोई ऐसा क्रम नहीं है, वो आपकी इच्छा पर निर्भर है। दो दो बार करवाएंगे, ये पहला अभ्यास है, आधा बैठे ऐसे, अब कुछ इतना ही कर देते हैं।
ये नहीं, इतना नहीं, इतना सीधे सीधे एक श्वास में एक अभ्यास, ये नियम है। अर्ध बैठक हो गए, अब पूर्ण बैठक, दोनों हाथ सामने हाथ जाएंगे कंधों के समानांतर, मुट्ठियां ऐसे बंद रहेंगी, ऐसे अंगुलियां पहले बंद करते हैं, अंगूठा उसके ऊपर रखते हैं, ये मुट्ठी बंद करने का तरीका है। एक, दोनों हाथ कंधों के समानांतर, सीधे सीधे बैठते हैं, ऐसे एड़ियां ऊपर उठी हुई, पंजों पर भार, दो, एक, दो। अब देखो हाथ यहां जाते हैं, यहां आते हैं, अब कुछ क्या करेंगे, ऐसे ले जाएंगे, वैसे ले जाएंगे, ऐसे ले, जो तरीका है वैसे ही करना। अब साधारण दंड के बाद, साधारण दंड के दो अभ्यास हुए, अब राम मूर्ति बैठक, दोनों हाथ सामने कंधों की समानांतर, मुट्ठियां बंद, धीरे धीरे नीचे जाएंगे, मुट्ठियां आमने सामने, ऐसे नहीं, ऐसे भी नहीं, ऐसे भी नहीं, ऐसे मुट्ठी आमने सामने, छाती जितना फासला दोनों हाथों में, कंधों के समानांतर हाथ, धीरे धीरे नीचे आएंगे, धीरे धीरे ऊपर, धीरे धीरे लंबा गहरा श्वास भरेंगे, धीरे धीरे नीचे जाएंगे। धीरे धीरे ऊपर आएंगे, फिर हाथों को वापस लाते समय ऐसे सामने से लेते हुए छाती के फिर पार्श्व भागों में ले आए। योग को कराने की जो विधि है उसमें भी सहजता, समरसता, मधुरता और वैज्ञानिकता, जो भी आप कराएं, जो भी आप बोले, योग की सारी चेष्टाएं योग के अनुरूप होनी चाहिए। अब पहलवानी बैठक है, एक छलांग लगाते आगे जाते हैं, एक, दोनों हाथ कंधों के समानांतर आ गया, दो, वापस ऐसे गए, ऐसे ही गए, ऐसे हाथ आएंगे, ये तरीका है, एक, दो, एक, दो। इसको चाहे धीरे करें या तेजी से करें, नाम भी मैं साथ साथ बता रहा हूं। योगिक जोगिंग के भी अभ्यास करवाए थे, उनके भी नाम है, सूर्य नमस्कार के भी नाम है, नाम, विधि, सावधानी, लाभ, ये सबको पता होनी चाहिए। मैंने कहा था विधि, समय, एकाग्रता और निरंतरता पूर्वक किया हुआ योग ही फलदायी होता है। मेथड, टाइमिंग, कंसंट्रेशन एंड कंटिन्यूटी के साथ किया हुआ योग ही पूरा बेनिफिट देगा। ये योग का लाभ ऐसा ही है जैसे विज्ञान के सूत्र हैं, मैथमेटिक्स के फार्मूले हैं, ऐसे। अगला अभ्यास, एक, दो, तीन, चार। अब देखिए सीधे सीधे बैठते हैं, एक, दो, तीन, चार, ऐसे, माने तरीका हमारा एकदम ठीक होना चाहिए, चाहे दो बार करें चाहे दस बार करें। पांच अभ्यास हो गए, छह, सात, आठ, ये तीन अभ्यास, इनका नाम है हनुमान बैठक, दोनों पैरों में फासला। अब जैसे दोनों पैरों में फासला करेंगे तो जवान आदमी को ऐसे ही करना चाहिए, व्यायाम कर रहे हैं तो ऐसे, अब बुजुर्ग आदमी करेगा तो थोड़ा ऐसे करेगा, बुजुर्ग की करने का काम ही नहीं है, ये जवानों का ही काम है, तो ऐसे ऐसे, दोनों हाथ सामने ऐसे। अब सामने हाथ करेंगे तो ऐसे जाने चाहिए जवान आदमी के हाथ, अब क्या करेंगे, ये तो निरुत्साह जैसी बात है, तो हाथ ऐसे आने चाहिए, सीधे सीधे उठना चाहिए, सीधे सीधे
दोनों हाथ, अब जैसे ऐसे किया फिर हाथ आएंगे तो ऐसे आएंगे ना, तरीका ठीक होना चाहिए। हनुमान बैठक का दूसरा अभ्यास, हनुमान जी की तरह हम बलवान बने। हमारे सभी पूर्वज बलवान थे, प्रज्ञावान थे, चरित्रवान थे, महान थे। उनका ज्ञान, जीवन, चरित्र, आचरण अनुकरणीय था। ऐसे ही हम भी बने। पीछे वाले पैर को कुछ लोग ऐसे मोड़ लेते, ये ठीक नहीं, ऐसे नहीं, संतुलन बनाना पड़ेगा ना आपको शरीर का, तो संतुलन गड़बड़ नहीं होना चाहिए। फिर पैर पास में, तीसरा अभ्यास हनुमान बैठक का। अब मुट्ठी ऐसे बंद, अंगूठा बाहर निकला हुआ, कंधे के ऊपर अंगूठा। जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी कम हो उतना कर पाएंगे, जिनमें पूरी है ऐसे बैठेंगे, ऐसे उठेंगे। सीधे सीधे ऐसे बैठ सके, इतना अपने शरीर को साध के रखना। बैठक के बाद दंड, बैठक मतलब जिसमें अलग अलग तरीके से बैठा जाता है। दंड माने, दंड का मतलब यहां पनिशमेंट नहीं है। आसन में भी दंडासन होता है, दंड की तरह सीधा हो जाता है शरीर, और उसके बाद अलग अलग दिशाओं से उसको हम व्यायाम देते हैं, इसलिए इनका नाम दंड है। दंडवत शरीर सीधा रहता है। एक ये तो विश्राम की स्थिति है, फिर तैयारी की स्थिति में देखो, विश्राम की स्थिति में पैर के घुटने कोहनियों के बाहर की ओर होते हैं, ऐसे हाथ दोनों जमीन पर टिके हुए, हथेलियां ऐसे। जब पैर पीछे जाते हैं तो अंगूठा पास में, एडिया पास में, ये स्थिति बनती है। विषम ऐसे आए, सज्ज ऐसे हो, अंगूठा पास में, एडिया पास में, एक नीचे, भूमि के समानांतर स्पर्श करते हुए, नीचे विश्राम नहीं करना, दो ऊपर देखा, तीन साधारण, एक। देखिए दोनों कोहनियां पसलियों से टच करती हुई, दो ऊपर, तीन वापस। दूसरा अभ्यास, साधारण दंड के बाद राम मूर्ति दंड। दोनों हाथों की कोहनियां रिब केज से, एल्बो रिब केज से टच करती थी, कोहनियां आपके पार्श्व भागों को छूती हुई, पसलियों को छूती हुई, एक नीचे, दो ऊपर, तीन वापस ऐसे आएंगे नीचे से। अब इसमें थोड़ा बल बहुत अधिक लगता है, ऐसे श्वास पूर्व, विश्राम। ये राम मूर्ति एक पहलवान हुए, ये प्राचीन भारत की बात नहीं है,
आधुनिक भारत में प्राणायाम पूर्वक उन्होंने व्यायाम किया। एक श्वास में एक अभ्यास क्या करते थे इसको धीरे धीरे, ऐसे वो 5,000 दंड बैठक लगाते थे। राममूर्ति बैठक भी बताई थी आपको, राममूर्ति दंड। तो उनको कहते तपेदिक का टीबी का रोग था, बहुत कमज़ोर थे, लोग उनको चिढ़ाया करते थे। उन्होंने कहा कि मैं बलवान बन के दिखाऊंगा। उन्होंने नियमित रूप से धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाया और इतने बलवान बन गए कि अपने छाती के ऊपर हाथी का पैर रखवा लेते थे। इतना मजबूत शरीर बना लिया, जैसे बल की उपासना जिसको कहते हैं ना। मैं एक बात हमेशा कहा करता हूं, सभी अत्यंत बलवान तो नहीं हो सकते, लेकिन कम से कम मेरी तरह सामान्य बलवान तो बन जाओ। मैं अत्यंत बलवान नहीं हूं। देखिए पराकाष्ठा तो किसी किसी में ही होगी, लेकिन सामान्य बल, सामान्य ज्ञान, किसी भी विषय का बेसिक नॉलेज, ये तो हमें होना ही चाहिए। नहीं तो कहेंगे ये तो समझदार आदमी नहीं, इसको कुछ पता ही नहीं है। अगला अभ्यास, पंजे अंदर की ओर ऐसे ऐसे हाथ रखेंगे, फिर पैर पीछे चले जाएंगे, एड़ियां अंगूठे पास में। अब देखो गर्दन ऐसी सीधी कीजिए, कमर को भी सीधा कीजिए, पहले ये पोजीशन बनाइए ऐसे, ना ज्यादा ऊंचा। अब कुछ ऐसे रखते हैं, ये गलत है, कुछ ऐसे नीचे रखते हैं, ये भी गलत है, ऐसे एकदम सीध में गर्दन सीधी, ऐसे कमर थोड़ी झुकाइए एक तरह से, एक दो, एक दो, विश्राम। आप तो दो में ही थक गए, क्योंकि पहला दिन है, पहले दिन इसको 5 से ज्यादा कोई कर नहीं पाता है, अपवाद को छोड़ करके 99% पहले दिन तो 5 कर पाएंगे। अभ्यास के बाद तो आपको 50-50 युवाओं को करने का अभ्यास होना चाहिए। मैं भी 50-60 तो एक साथ करता ही हूं, किया जाए तो पहले दिन 50 मुश्किल होगा, लेकिन देखो आपको मैं करके बता रहा हूं। एक श्वास में एक अभ्यास, और विधि गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जैसे नीचे ऊपर जाते हैं ना ऐसे गर्दन सीधी, ये रिदम रहना चाहिए। अब इसमें कुछ कैसे करते हैं, ऊपर ऊपर ये नहीं, ये थक जाएंगे, पहले दिन दिन का अभ्यास ज्यादा नहीं है, एक रिदम के साथ। तो फिर आपकी भुजाएं अत्यंत बलवान बन जाएंगी। वक्ष विकासक दंड, इससे छाती ना ऐसी चौड़ी होगी। देखो सब चाहते हैं उनकी ब्रेस्ट, उनकी चीस्ट, छाती, सीना उभरा हुआ, बॉडी के कट्स अच्छे हो। मैंने कहा था प्रदर्शन के लिए नहीं है ये जीवन और योग, प्रभु दर्शन के लिए ही है, लेकिन भगवान की सारी सृष्टि इतनी सुंदर है, खूबसूरत है, तो हम बदसूरत क्यों रहे भाई? किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपितु अपना शरीर इतना सुंदर होना चाहिए कि कोई भी एक योगी को देखे तो उसको प्रेरणा मिलनी चाहिए कि मेरा जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए। अब चौथी दंड का अभ्यास, नाम है हनुमान दंड। पैर पीछे पास में, एक पैर का पंजा हाथ के पंजे के पास में, नीचे ऐसे थोड़ी, दो ऊपर तो कमर झुकी हुई, तीन, एक ऐसे थोड़ी जमीन पर, दो ऊपर, तीन वापस, एक दो तीन, एक
समझ में आई बात? अब इसको ये तो धीरे करवाया, अब किसी में ज्यादा जवानी उमड़ रही है तो जवानी योग में देखनी चाहिए ना, भोग में नहीं। देखो ऐसे नीचे पूरी छाती ऐसे चाहिए। देखो तेजी में भी विधि गड़बड़। अब कुछ है, कैसे करेंगे? कर रहे और कर रहे हैं उल्टा, आधा आधा अधूरा नहीं, जो भी करे पूरा करे। धीरे कर रहे थे तो ऐसे, तेजी से कर रहे थे तो भी विधि गड़बड़ नहीं। नीचे छाती गई, ऊपर उठे। एक श्वास में एक अभ्यासी क्रम रहता है। अब पैर पीछे से उठेगा, आगे झुकेंगे पूरा, वृश्चिक दंड के अभ्यास के लिए पैर पीछे, घुटने सीधे, अंगूठे के पास अंगूठा, एड़ी के पास एड़ी, एक घुटना सीधा पंजा तना हुआ, नीचे झुके, दो, तीन। नीचे झुकते समय छाती भी और ठोड़ी भी भूमि को स्पर्श करती हुई, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन। समझ में तो आया ना? ऐसे विधि पूर्वक वृश्चिक।